नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकसभा चुनाव के पहले नितिन गडकरी फिर वायरल हैं। जी हां, मोदी सरकार में मंत्री बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भी उनके कुछ ऐसे बयान आए थे जिनकी खूब चर्चा हुई थी। अब उनके ताजा बयानों को विपक्ष के नेता शेयर कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। पूरे बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जी जान से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि इस बार 370 सीटें जीतकर बीजेपी सरकार बनाएगी और एनडीए 400 पार करेगा। जाहिर है बीजेपी की तरफ से अभी इस पर कोई विवाद नहीं है कि ऐसा बहुमत मिला तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 73 साल के हो चुके हैं और अब तो बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 75 वाली उम्र का कैप भी हटाने जा रही है, यानी कि 2029 का चुनाव भी मोदी लड़ सकते हैं। लेकिन ये सवाल अक्सर सुनने को मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसे लेकर पार्टी के कुछ बड़े नेताओं जैसे कि अमित शाह, योगी की चर्चा भी होती रहती है। लेकिन इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम भी है जो अक्सर लोकसभा चुनाव के पहले सुनने में जरूर आता है। नितिन गडकरी का हाल का एक इंटरव्यू खूब सुर्खियों में है जिसमें गडकरी कहते हैं, ये फालतू की चर्चा है, मैं प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट का सदस्य हूं और हमारे बड़े अच्छे संबंध है। वे प्रधानमंत्री हैं और हम मंत्री हैं, तो हमको जो आदेश देते हैं उसका पालन किया जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो शानदार परफॉर्मर है। हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में उन्होंने क्रांति ला दी है। नितिन गडकरी को आरएसएस का भी करीबी माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी हमेशा खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। हाल के एक इंटरव्यू में इन्होंने किसान आंदोलन से लेकर बेरोजगारी और गरीबी पर खुलकर बात की। गडकरी ने इस इंटरव्यू में कहा, गांवों में शहरों के मुकाबले हालात ठीक नहीं है, खाई बढ़ रही है, गांवों में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, किसान की फसल के अच्छे भाव नहीं है। हरियाणा और पंजाब में गेहूं और चावल रखने के लिए हमें रेलवे के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पड़े, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई, सीमेंट और स्टील की कीमतें भी बढ़ गई, पर अनाज की कीमत लगभग वैसे ही है। 20 साल पहले चावल का भाव क्या था और आज क्या है, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। नितिन गडकरी के इन बयानों को कांग्रेस और विपक्ष के नेता खूब उछाल रहे हैं। हालांकि गडकरी ने उनका इंटरव्यू शेयर करने पर कांग्रेस को नोटिस भिजवाया है। गडकरी बीजेपी और आरएसएस के निष्ठावान कार्यकर्ता है। वो कहते हैं उनको जो काम दिया जाता है वो पूरी ताकत से करते हैं। लोकसभा चुनाव और उसके बाद गडकरी को मिलने वाले नए काम की चर्चा हम यूं ही करते रहेंगे। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।